हाय दोस्तों मैं मास्टर सोनू कराटे वुशु का कोच हूं आप देख रहे हैं मास्टर सोनू कराटे यूट्यूब चैनल तो आइए आज हम लोग देखते हैं डंपल करने की सही तरीका क्या है ठीक है डंपल जो हर किसी को वाजू को मजबूत करने के लिए करते हैं तो आप मेरे सामने आइए देखिए यहाँ डंपल कुछ पड़े हैं कुछ छोटे फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े ठीक है तो शुरुआती में अगर कोई भी डंपल स्टार्ट करता है करने के लिए तो उसे छोटी डंपल से स्टार्ट करना चाहिए न कि बड़ी डंपल से स्टार्ट करना चाहिए शुरुआती में आप छोटा डंपल अब छोटे डंपल की वेट क्या होना चाहिए छोटा डंपल कम से कम दो केजी का होना चाहिए दो केजी ये दो केजी की डंपल है और ये आप पहले आप शुरुआती में एक हाथ से आप स्टार्ट कर लेंगे दो केजी से और बिल्कुल बस हाथ ऐसे रखते हैं सीधा और हाथ ये रखे और उस पर ये डंपल रख दिए और इसको आप बंद कर लिए ऊपर से एक फिंगर बंद कर लीजिए और एक हाथ आप कमर पे रख लिए और एक हाथ जो होगा दूसरा वो आप पेट पे चिपका लेंगे चिपक और फिर आप ऐसे आराम से दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो गया सेम चीज आप चेंज कर लेंगे और यहां पे रखेंगे और हाथ को यहाँ चिपका लेंगे याद कमर पे रखेंगे इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये आपने छोटी डंपल को देखा जो शुरुआती में ऐसे करेंगे तो आप शुरुआती में इसको दस से बीस स्टेप करेंगे एक हाथ से यह प्रतिक्रिया आप करीबन करीबन दस से पंद्रह दिन बीस दिन तक आप यूज कर सकते हैं ऐसे छोटा डंपल से जो बाजू के किसी भी मसल्स में ज़्यादा हैवी स्ट्रेच ना कर जाए क्योंकि धीरे धीरे गेन करना है धीरे धीरे इसको स्ट्रोंग करना हैंड को फिर कुछ दिन अगर बीत गया अगर मान लीजिए बीस पच्चीस दिन बीत गया तब हम लोग दूसरी डम्पल देखिए सेकेंड डम्पल जो है सेकेंड सेकेंड डम्पल उससे डबल वेट है ये फोर के जी का है और इसको यहाँ पे ठीक उसी तरह से पकड़ते हैं और फोर फिंगर और एक ऊपर से फिंगर को कस के पकड़ लेते हैं अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे सेकेंड में क्योंकि ये थोड़ा वेट हो गया पहले वाले का अपेक्षा तो अब यहाँ पे हाथ नीचे से एक एल्बो पे लगा लेंगे एल्बो पे लगा लेंगे सीधा एल्बो केवनी जो होता है उसके नीचे आप इसको लगा लेंगे यहाँ पे और फिर इसको कमर के पास फिर आप आराम से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हुआ फिर दो सेकेंड बाद आप इसे चेंज कर लेंगे दूसरे हाथ में फिर यह हाथ इसके एल्बो के नीचे लगाएंगे क्यों नी के और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये अपने प्रतिक्रिया देखा उस सेकेंड वाली डंपल को नेक्स्ट पॉइंट जब ये एक सेट हो गए दस दस के फिर आप दस सेकेंड रुक जाएंगे तो दस सेकेंड क्या करेंगे उसको रख देंगे उसको नीचे रख देंगे फिर हाथों को थोड़ा सा ऐसे मोमेंट थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूविंग्स कर लेंगे थोड़ा सा ठीक है फिर आप उसको स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेयर पार्ट में अब इसमें टेक्निकल बदलती क्या है कि जब आप ऐसे रखते हो ऐसे फिंगर उससे में एक आपका थम अंगूठा पहले वाला में ऊपर से ग्रिप कर रहा अभी ऊपर में नहीं है ये आराम से देखिए अंगूठा जो होगा वो नीचे ग्रिप करेंगे यानी सिंपल ऐसे ही रखेंगे ऐसे और फिर लॉक करेंगे और फिर आपकी चांसेस में यहाँ पे हाथ पलट के और ऐसे रख लेंगे यानी आप सपोर्टिन कम देंगे सीधा पेट पे लगाएंगे और ये चिपका लिया और फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर हम लोग वैसे ही बिल्कुल पाम सीधा रखेंगे उसके ऊपर ऐसे रखेंगे दूसरा हाथ अपने पेट पे रखेंगे और उसके ऊपर केहनी एल्बो को लगाएंगे और फिर वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे आपने देखा सेकेंड डंपल के तरीके को ये पहले वाला दो के जी का था सेकेंड चार के जी का था इसके बाद वाली डंपल जो एक और डंपल आपको दिखाई दे रहा है यहां पे डंपल और भी रखे हुए हैं और भी पीछे मेरे पास बहुत सारे डंपल हैं बट मैं आपको कुछ ही डंपल को दिखा रहा हूं कि कैसे इजली वे में विगनर को एक नए अगर कोई डंपल कर रहा है तो उसको कैसे करना चाहिए अब मैं उससे बड़ी डंपल अप्लाई कर रहा हूँ ध्यान से देखिए एक एक स्टेप के बाद आपको अलग अलग मोमेंट है इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक आराम से देखिए पूरी बात समझ में आएगी और आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा तो नस वीडियो का ये डंपल है देखिए वन टू हो गई थ्री अब स्टेप में ये आप आ गए फिर डम्पल को इसको ये थोड़ा हैवी है तो इसमें आप फिंगर को सीधा चार नीचे और एक ऊपर से लगाएंगे ठीक है और अभी वाला में क्या करेंगे एक हाथ एक हाथ पीछे कमर पे रख लेंगे कमर पे क्योंकि इससे वेट बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे रख लेंगे और पीछे इसे कस के बंद करके रखते हैं ऐसे और ये और ये हाथ यहाँ साढ़ा इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है फिर दूसरा दूसरा हाथ में धरे फिर इसको बंट के और ये तो आप ये गलती नहीं करिएगा कि ये नहीं ऐसे ऐसे हिला रहे हैं आप उठाते समय ऐसे उठा रहे हैं और गिराते समय ऐसे गिरा दे रहा है उठाया ऐसे और गिराया ऐसे तो ये गलत हो जाएगा और जो हड्डी होती है एल्बो में वो ट्विस्टिंग कर जाएगी घूम जाएगी यहाँ से और धीरे धीरे आपको दो तीन महीना मेंन, चार महीना में पेन भी करने लगती इसलिए उसको मूव नहीं करेंगे उसको र, घुमा के नहीं गिराएंगे नीचे तो हाथ मैंने यहाँ धरा फिर देखिए ऐसे प्रक्रिया में दस बार आप इसको ऐसे कर लिए फिर आप डंपल को नीचे कर लेंगे ये कर लिए अब आराम से हाथों के फिंगर को थोड़ा सा स्ट्रेच ऐसे 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 कि चढ़े नहीं चढ़ जाएगा तो वो ज्यादा गेन नहीं करेगा ठीक है इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स भी होते थोड़ा सा आप हाथों को मोमेंट को ऐसे थोड़ा सा फिर यहां से फ्री कर लेंगे थोड़ा सा हाथ आगे पीछे घुमा लेंगे हाथ ऐसे फ्री हो जाना चाहिए हाथ एकदम फ्री जब फिर आपको रिलैक्स लगे तो आपने एक सेट लगा दें फिर दूसरा सेट भी हम लोग उसका लगा सकते हैं तो ये उससे बड़ी डंपल जो अपने देखा और उससे फिर बड़ी डंपल यह करीबन रेगुलर ट्रेनिंग के हिसाब से एक एक महीना गैप देने के बाद अब बढ़ाया न कि सीधा आप मार्केट गए और सीधा सबसे हेवी डंपल लाए और लाके करने लगे अगर ऐसा कोई यंग लड़का या कोई गर्ल्स भी अगर गलती करती है तो उसकी सजा उनको आगे वो डंपल का नतीजा उनको दिख जाएगा उनके हैंड का लोकेशन जो होगा ये जो लुक लुक होता है हैंड का मोवमेंट का वो उनके हैंड का मोवमेंट बदल जाएगा इधर का ये साइड में चला जाएगा पीछे चौड़ा ही नहीं होगा साइड में चला जाएगा तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सही डंपल कैसे करना चाहिए अब आइए उसकी नेस्ट पॉइंटिंग जो डबल स्टैपिंग करते हैं दोनों हाथों को सेम पावर में लेने के लिए क्योंकि सभी को पता है कि राइट हैंड थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है लेफ्ट हैंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है बिकॉज कारण यह है कि राइट right हैंड हम लोग लाइफ में अपने बहुत ज्यादा यूज करते हो तो देखिए इससे बाद ये ये वाली डंपल में फिर जैसे हैवी होता है तो फिर हम लोग इसी दो के जी से स्टार्ट करेंगे पहले फर्स्ट से दो, दो के जी का डंपल आप स्टार्ट किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अब इस चीज को आप रख देंगे क्योंकि दोनों फिर वैसे ही स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को भी सीखने में स्टेप बाय स्टेप, स्टेप दूसरी उससे वेट में जो था दस दिन बीतने के बाद आप ग्यारह दिन बारह दिन जब बीत जाता तब तो तो आप फिर उससे डंपल को आप देखिए आपने ये ये मैंने किया अब इसमें आपको सांस जरूर छोड़ना है ये नहीं कि आप अंदर में सांस भर लिए और फिर आप यू डंबल दिए जा रहे हैं तो कुछ देर बाद आपके चेस्ट में पेट में दर्द हो सकता है इसो इसलिए आप ट्रेनिंग के दौरान जब आप पंप लगाते हैं जब आप ऊपर खींचते हैं उसको तो सांस अपना बाहर निकालें उससे है भी जो 5 के की डम्पल है 5 के आपने देखा पहले दो के फिर फिर आपने चार के फिर 5 के अब 5 के का जो डम्पल होता है जो हैंड के लिए काफ़ी शक्तिशाली काफ़ी यूजफुल माना जाता है दुनिया की जितनी एक्सपोर्ट हैं फाइव के जी डंपल नंबर एक पे यूज होता है याद रखें सभी मेरे दोस्त फ्रेंड नंबर वन पे फाइव के जी के की डंपल आता है ठीक है उस डम्पल को आप ऐसे कर सकते हैं देखिए डम्पल मैंने ये उठाया यहाँ पर इडली देखिए, ऐसे ठीक है फिर डंपल को फॉर्से हम लोग क्या करेंगे पहले यहाँ सटा लेंगे ठीक है फिर नीचे करेंगे वन होते टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन मैंने क्यों सर्टा रखा इसलिए सटा रखा कि हमारी हैंड जब यू डबल है ना वजन बढ़ गया ना पहले आप पाँच के कर रहे थे अब दस के दोनों हाथ का हो गया तो ये नहीं कि आप बस हाथ ऐसे गिर रहा है ऐसे गिर रहा है ऐसे गिर, 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 गिर जा रहा तो आपकी क्लाइम में भी पेन हो सकता है शोल्डर में भी हो सकता है तो जो पहले आप उसे चिपका के कर लें जैसे आपने चिपका के देख लिया हो गया अब फिनिशिंग पार्ट में आप आराम से यहाँ से फिर दोनों उठाएँ फिर इसे लॉक किए फिर आप यहाँ से घूमें अब ये थोड़ी फैला लिया मैंने देखिए अब ये बिल्कुल सीधा है और थाई के सामने आपका हाथ का जो पंजे होंगे ना पंजे जो बैक पाम पार्म होगा वो थाई पे होगा थाई पे देखो यहाँ से थाई पे और पूरा हाथ भी थाई पे होगा पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ तक ये हाथ यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से यह आपने देखा ये मैंने आपको करके दिखाया कैसे हो रहा था यह डम्पल लगा हुआ आगे ठीक है इसके करने के लिए एक बेल्ट भी आता है मार्केट में ठीक है बाज़ार में स्पोर्ट्स दुकानों पे बड़ी बड़ी के शॉप जो होते हैं एक्सपोर्ट्स खेल कूद के वहाँ मिलता है तो एक चट बेल्ट भी आता है चेष में लगाने वाला जो ऐसे करके इसे साटा जाता है तो यहाँ चेष के लोकेशन पे ना यहाँ जो सोलो पॉइंट होता है ना जो आप दम लगाते हो तो यहाँ से ये वो वोल की तरह फूलता है तो उसको वो रोक के रखता है और फिर उस पर हाथ रखने के एक चेस्ट में ग्रिपिंग पावर मिलता है बहुत लोग बच्चे फोटो में देखे होंगे या बहुत लोग उससे किए भी होंगे जानकारी भी होगा वो बेल्ट भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है तो नेक्स्ट इसका डम्पल में आपने यहाँ से पहले तो ये ऐसे ग्रिप होता था अब आपको ऐसे ग्रिप करना है ये वाला देखिए ये यहाँ से मैंने अंगठा को नीचे लिया नीचे लिया और डम्पल को यो स्टार्ट किया ये आपने देख लिया किस तरीके से हो रहा था अब इनकी इंटरनल पावर मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है डंपल के साथ सिंपल पहले आप डंपल को जोड़ेंगे और फिर डंपल को यहाँ उठाएंगे और फिर आप हाथ को यहाँ से डालेंगे यहाँ ऐसे रखें और फिर यहाँ से आप कॉल होने पे आप यहाँ से ये थोड़ा पहले वाले का अपेक्षा हैवी है तो थोड़ा सा केयर करेंगे ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया डंपल की फॉर्मेट ये सिर्फ सिर्फ इसके नीचे हो रहे थे इसके नीचे जो बाजू जब आप करने लगेंगे तो आपके मसल्स पावर्स को यहां से ऊपर निकालने लगता है टाइल्स एंड द बाइसेफ है ना याद रखिए टाइलसेफ एंड द बाइसेफ ये होता है ऊपर नीचे मसल्स का नेम ठीक है ये सोडोल और स्मार्ट होना चाहिए और हर बॉयज़ जो लड़के होते हैं उनकी ये हाथ मजबूत होना चाहिए क्योंकि जेंट्स का हाथ एक अलग ही लुक होता है दिखने में तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो भी अब तक भेजने की कोशिश करूंगा उसमें कुछ अलग डंपल होंगे अलग अलग टाइप का डंपल होता है एक डंपल टाइप का होता है ओलंपिक टाइप का डंपल होता है एक करकिंग डिजाइन में डंपल होता है एक जिगजग में डम्पल होते हैं ठीक है ठीके? ये सारी चीज़ का भी मैं नेक्स्ट में वीडियो आपको अपलोड करने वाला हूँ वीडियो को पसंद आया लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और दूसरे तक ये सही जानकारी को पहुँचवाएं धन्यवाद मैं मास्टर सोनो आप सभी का वेलकम रहा चैनल में ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें लाइक करें और फिर मैं आप तक अच्छी अच्छी वीडियो भेजने की कोशिश करूँगा धन्यवाद